पांच सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ग्रामीण डाक कर्मचारी जिस समय प्रदेश भर में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ दुर्ग संभाग के बैनर तले डाक कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते दुर्ग शहर ही नहीं पूरे प्रदेश भर के करीब 25,000 कर्मियों ने काम बंद कलम बंद का आह्वान कर अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। इस दौरान सबसे जरूरी 8 घंटे का काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ दिए जाने की मांग की गई है। सेवक के नाम से जाना जाता है, जो काम जो विभागीय कर्मचारी करता है वो काम हम भी करते हैं, बस उनको पेमेंट ज्यादा दिया जाता है, हमको 15,000 ही, मात्र 15-16,000 ही निपटा दिया जाता है। आज हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमें भी नियमितीकरण का दर्जा दिया जाए। आज के दौर में आपको ये बता देता है, छत्तीसगढ़ जैसे अपना ग्रुप डिवीजन है, ग्रुप डिवीजन के अंतर्गत बालोद, बेमेतर, राजनांदगांव, कवर्धा पांच जिले हैं, पांचों जिले में राव खैरागढ़ भी आ गया है, तो ये सभी जिले में आज हमारे जिले पूरी तरीके से हड़ताल में है। 80 से 90% हमारा हड़ताल आज चल रहा है पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में। काम ग्रामीण क्षेत्र का पूरा काम पूरी तरीके से बंद है, न कोई लेन देन है, न डाक का थैला बोर्ड खोलेगा, न चिट्ठी पत्री बचेगा, न मनी ऑर्डर बचेगा कोई प्रकार का। यहाँ पे एकत्रित हम ग्रामीण डाक सेवक है जो विभिन्न ग्रामीण अंचलों में कार्यरत है। हमारी मांगे जो है वो हमारे नियमितीकरण को लेके है। हम यहाँ पे 4 घंटे का जो शुरू से चला आता जा रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण अंचल के पोस्ट ऑफिस 4 से 5 घंटा काम करते हैं, लेकिन हमारा वर्कलोड और टारगेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारा 4 घंटे से लेकर 5 घंटा कभी कभी शाम हो जाती है। जब टारगेट्स आते हैं तो हम अपने आप को भूल के काम करते हैं, डोर स्टेप सर्विसेज दी जाती है, घर घर जाके प्रचार प्रसार करते हैं, इन सबके बावजूद भी हमारे वर्कलोड को बढ़ाया नहीं जाता है। तो हमारी मांगे है कि हमारी हमको 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी जो हमें कहा जाता है, जबकि हम पूरे विभाग का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो इस इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें विभागीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और एक केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को जो सुविधाएं मिलती है, पेंशन हो गया, बीमा हो गया, चिकित्सा सुविधाएं हो गई, रिटायरमेंट के बाद की जो ग्रेच्युटी अमाउंट मिल रहा है, वो सबके पात्र हमें बनाया जाए। अगर ये अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हम 3 लाख जेडीएस के कर्मचारी पूरे देश भर में अभी हड़ताल पे, अगर ये अनिश्चितकालीन चला तो सबसे पहले की रेवेन्यू जो सरकार को जनरेट हो रही है वो तो प्रभावित होगी होगी। जो जगह जगह पे चिट्ठी पत्री है, एटीएम है, पैन कार्ड जो हमारे एबीपीएम बांटते हैं वो भी प्रभावित होगा, और ये सब मिलना कस्टमर को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहे तो कहीं ना कहीं एक बैकबोन जो है पोस्ट ऑफिस का वो प्रभावित होगा। तो हमारी मांगे है, सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। हम जो हड़ताल कर रहे हैं पूरे देश में 3 लाख जीडीएस कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में है। हमारा पहला मांग है नियमितीकरण, क्योंकि हमें केवल 4 घंटे और 5 घंटे का पेमेंट दिया जाता है और काम हमसे पूरा 8-10 घंटे लिया जाता है, तो हम चाहते हैं कि 8 घंटे का वर्कलोड देकर हमें नियमितीकरण किया जाए। और दूसरा यह कि विभागीय कर्मचारी को जो सुविधा प्रदान की जाती है, जैसे पेंशन की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है, उसको ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है, वो सब सुविधा भी हमें दिया जाए। और तीसरा यह है कि कमलेश चंद्र की रिपोर्ट है, इसको भी लागू किया जाए। जो कमेटी सरकार टीडीएस के लिए बिठाई थी वो अपना रिपोर्ट दी है, उसमें कुछ जीडीएस के लिए वो मांग रखे उसको भी सरकार नहीं मान रही है, उसको भी मनवाने के लिए हम इस हड़ताल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। चौथा ये है कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ये जो काम है उसको हमें प्रोत्साहन राशि पे कराया जाता है, तो हम चाहते हैं कि इसको वर्कलोड में जोड़ा जाए और हमारा जो वर्कलोड है उसके 8 घंटे किया जाए। और बहुत से मांगे हैं जिसको धीरे धीरे हम सरकार तक मनवा के देंगे। मेन मांग है हमें नियमितीकरण किया जाए, 8 घंटे का ड्यूटी हमें प्रदान किया जाए। धन्यवाद। हड़ताल पर बैठने के बाद सभी कर्मचारियों ने दुर्ग के मुख्य डाकघर के बाहर पंडाल लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।